अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए, मतलब शाम का टाइम है, दिन में सारे काम वगैरह हो जाते हैं, तो इस टाइम हम करते हैं आसमान से बातें। हेलो, सलाम वालेकुम जी, क्या ले? हाथ तो मिलाए यार। हाथ मिला लिया तो सीधा ऊपर ही खींच लेगा। कोई नहीं, चलो आसमान से बातें ऐसी होती है। देखे ज़रा सा, शाम का टाइम है, ऊपर छत है, हम है, हमारी चार दीवारी है, और छत तो नहीं है खैर, लेकिन छत तो सामने कमरे में है, मतलब तो समझ सकते हो। अच्छा, तो आसमान से बातें करनी तो है, आसमान से बातें, पर कैसे? हमें उड़ना है उड़ान। अब ये कैसे उड़ेंगे यार, समझ नहीं आ रही है। कोई पैराशूट वगैरह नहीं है, मतलब कोई होता है ना चद्दर वद्दर के, बंदा उड़ता ही रहे, बस नीचे नहीं आया, तो ज़मीन वालों से तंग आ गए ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा तो करेंगे फिर आसमान से बातें, चलो करते रहो आसमान से बातें भी। आप लोगों को तो बहुत शौक है आसमान से बातें करने का, करो। चलो मैं भी करता हूँ। हाय, हेलो, कैसे हो जी? ठीक हो? हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, दरवाज़ा हिल रहा है और अंधेरा भी चल रहा है यार, अंधेरा भी बहुत छाया गया है। समझ लो कि ऐसा अंधेरा है, ओ कौवा ऐसे जा रहे, गोश्त है नहीं किसको मैं दे दूँ, तो क्या क्या कर सकते हैं। चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कोई कौवा वो आएगा तो उसी बातें कर लेंगे, का 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 करता रहेगा। आसमान से तो बातें हो नहीं सकती फिलहाल, तो देखते हैं ना। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पता नहीं कहाँ रही है यार, इसको तो समझ नहीं आती। मैं और मेरी बड़ी बड़ी बातें, शायद आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा, मैं और मेरी बड़ी बड़ी बातें, तो वो मैं जो है इंशाल्लाह ऐसा करता हूँ कि व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए कभी देख, व्लॉग के डिस्क्रिप्शन के लिए डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन वो उसमें ना मेंशन कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैं और मेरी बड़ी बड़ी बात है, वो मैं कज़न के घर असल में गया हुआ था, तो वहाँ पर जो है कुछ अपना ईद के मतलब करीब करीब दिन थे, तो जब ईद के दिन आ रहे थे उससे पहले मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर मैं ऐसे मैंने मतलब ऊपर छत पे जो है वीडियो बनाई, तो माशाल्लाह वो छत बहुत बड़ी है, ये छत तो जो मैं मतलब जो अपना घर है ये तो छोटा है, लेकिन वो जो कज़न का जो घर है वो उसका उसकी छत है और टॉप ऑफ रूफ वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब अच्छी सी, मतलब काफ़ी गहरी हुई है अच्छी सी। और मेरा जो दोस्त है उसकी भी छत माशाल्लाह काफ़ी, मतलब देखी है मैंने ऊपर से, लेकिन अच्छी है माशाल्लाह से, क्योंकि ऐसा है कि वाइट पेंट, इस इधर भी वाइट पेंट है, देखें अगर मैं वो अगर मेरा दोस्त देख रहा हो तो ये देखिए वाइट पेंट है, लेकिन थोड़ा सा ख़राब हुआ है, सही है, कोई नहीं, ये एक तो शाम का दिन है सही नज़र नहीं आ रहा है, और जो मेरे कज़न का जो वो है उस पर भी वाइट पेंट लगा हुआ है। तो उस छत पे जब मैं था अपने कज़न की, तो वहाँ पर जो मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई, तो वो जो वीलॉग है वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर, मैंने लिंक मेंशन किया हुआ है, उस लिंक को जाके क्लिक करें, एक्सेस करें और उसको उस वीडियो को देख सकते हैं आप। तो तब तक के लिए हम देखते हैं अगर कोई आता है कौवा ववा, फ़िलहाल तो कोई है नहीं, फ़िलहाल तो कोई कौवा है नहीं, ये वो जो पाख पाख की आवाज़ करता है ना कभी कभी, तो अच्छा कभी कभी अंग्रेज़ जो ना शर्मा जाते हैं इस चीज़ से, अंग्रेज़ कहते हैं कि यार द क्रोवास द कावास कमी। असल में मैं आज गोश्त लेकर नहीं आया ना, तो मैं बस कभी कभी होता है गोश्त, तो मैं गोश्त लेकर आता हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके, तो जब मैं यूं करके मतलब यूं करके पहनता हूँ ना, तो फिर कोई ना कोई आके, मतलब कोई ना कोई मतलब इंसान नहीं, जो परिंदे होते हैं परिंदे, तो वो आके जो ना ले जाते हैं खा जाते हैं मतलब उनको ना, तो वो समझ रहा है कि आज हमजा भाई हमारे लिए गोश्त वगैरह लेकर आए, भाई आज गोश्त वोश्त नहीं मिलेगा, सही है। हाँ यार, एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें वो काफ़ी मज़े की थी, अगर मुझे वो मिल गई तो मैं वो भी जो ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे वो मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। एक पुलिस वाला होता है उस, वो कहता है यार भाई मैं देखो मैं कौवे से कैसे बात करता हूँ, कौवे जो होते हैं परिंदे उनसे बात करता है, तो पता नहीं वो कैसी अजीब अजीब आवाज़ निकालता है, जैसी आवाज़ उसकी निकलती है, अब देखिए अल्लाह की वो है ना, अल्लाह की कुदरत है, अब वो इंसान जैसी परिंदे की और उसकी आवाज़ निकालता है, तो उसके जितनी परिंदे हैं ना
जितने परिंदे वगैरह थे वो सारे आ जाते हैं। और मैंने कहा यार ये तो चले, अगर मुझे कोई वीडियो मिल गई ना डिस्क्रिप्शन में तो मैं उस वीडियो को भी जो है ना मेंशन कर दूंगा अपनी ही वीडियो के साथ साथ। तो वो जब मैं मेंशन करूंगा तो मज़ा आएगा आपको यार, वो वीडियो भी आप देख ले डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर जिनको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन किस तरह एक्सेस होती है, डिस्क्रिप्शन कैसे खुलती है, तो जो वीडियो का जो टाइटल होता है ना उसके नीचे लिखा होता है छोटा सा मोर, उस मोर पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुद ही बहुत नीचे आ जाएगी। उसके अंदर जो भी मतलब हैशटैग वगैरह होता है वो मेंशन होते हैं तो वो आ जाते हैं, उसका मसला नहीं है इतना। अच्छा, इसके अलावा जो मेरे अपना एक दो वीडियोस मेरी और हैं जो कि मैं सजेस्ट करूँगा, आप वो भी ज़रा देख लें तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी मुझे भी और आप जो है ना आपको भी अच्छा खासा एंटरटेन होगा। तो हम जो है ना वैसे भी मैं एक डेली व्लॉगिंग करता हूँ तो डेली व्लॉगिंग में ये फ़ायदा है कि मुझे और आपको एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलता है, मुझे तो मतलब खासकर मुझे मिलता है। खैर, मैं तो अभी फ़िलहाल अकेला हूँ तो इंशाल्लाह जब दोस्त भी मेंशन होगा मेरे साथ तो वो दोस्त जब होगा वो तो काफ़ी फ़नी है, तो मतलब बात वगैरह आपसे जब करेगा तो पता लग जाएगा कि यार किस तरह हम दोनों जब मिलते हैं तो एकदम से फ़नी बातें करते हैं एकदम से। खैर, अभी तो मैं अपने घर आया हूँ फ़िलहाल, तो जब अपने कज़न के घर जाऊँगा तो वहीं पर ही मेरे दोस्त है, उधर ही मैं उससे फिर मिलूँगा इंशाल्लाह। कहाँ चला जाता है यार ये, मेरे से पता नहीं। तो ये इनकी ये आदत मुझे इनकी बहुत गंदी लगती है, सही है। तो कोई नहीं, चलो खैर, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी हो रहा है और जो है क्या कहते हैं उसको, अपना अंधेरा होने के साथ साथ जो है बाकी चीज़ें भी जो है ना थोड़े से काम वगैरह होते हैं कभी कभी। तो चलें, अपने घर के अलावा अपना काम भी होता है, उसके अलावा पर ये चीज़ें तो होती है, तो पर मैं थोड़ा सा मसला आता है तो इस वजह से जो ना तो ऊपर छत पर आ जाता हूँ। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन, और ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।